पेश है हिंदी ज़बान में अपडेट। ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के आह्वान पर कश्मीरी 5 अगस्त को शोषण दिवस के रूप में मनाएंगे। कश्मीर में भारतीय अपराधों का पर्दाफाश करने के लिए विश्व की बड़ी राजधानियों में प्रतिवाद करो, कश्मीरियों के लिए ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का संदेश। ऑब्जर्वेंस ऑफ एक्सप्लॉयटेशन डे, विश्व के लिए संदेश के कश्मीरी भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर में भारत के अवैध अधिकरण को स्वीकार नहीं करती। शोषण दिवस 5 अगस्त को पूर्ण बंद, नागरिक कर्फ्यू तथा विशाल पैमाने पर प्रतिवादी प्रदर्शन। 5 अगस्त 2019, जम्मू कश्मीर के इतिहास में सबसे दुखद तथा अंधकारमय दिवस। 5 अगस्त 2019, जब मोदी शासन ने अंतर्राष्ट्रीय कानूनों तथा राष्ट्रसंघ के प्रस्तावों का घोर उल्लंघन करते हुए भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर के विशेष स्टेटस का बहिष्कार कर दिया। 5 अगस्त 2019 की कार्रवाई भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर की मुस्लिम पहचान पर एक आक्रमण। मोदी ने आर्टिकल 370 तथा 35A का बहिष्कार कर गैर कश्मीरियों के लिए भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर में बसने का मार्ग खोल दिया। भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 की कार्रवाई के पश्चात व्यापक जनसंख्यात्मक परिवर्तन सामने आ रहे हैं। बीजेपी, आरएसएस, जम्मू तथा कश्मीर को भारत के साथ पूर्ण विलय की अपने देर से चली आ रही इच्छा को पूर्ण करना चाहता है। शूरवीर कश्मीरी भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर में आरएसएस समर्थित भारतीय शासन के जघन्य षड्यंत्रों को विफल कर देंगे।